पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। साफ तौर पर दिखाता है जो सरकार है आरक्षण विरोधी, जो सरकार है हम लोगों की तो मांग थी पूरे देश में, अब जाति आधारित गल, अब पूरे देश में मुख्यमंत्री अब को जवाब देना चाहिए। अब तो इतना पावर रखते हैं कि भाई सरकार गिरा सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, तो अब जाति आधारित गणना की बात क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हजारों करोड़ों की योजना की शुरुआत एक कमरे से करते हैं और 5 मिनट में ही कार्यक्रम को, यानी कि कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम है उसको खत्म कर देते हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि एक बड़े पद पर बैठे हैं और उसके बाद इस तरीके की जो है वो बिहार में हो रहा है। साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष ने, आप खुद सुनिए। रेप जैसे संगीन मामले हो, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। FIR बड़ी मुश्किल से होता है, FIR होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है जीरो है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं दिला पाते हैं, ऐसे कई एक उदाहरण। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में वो भयावह हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात हो गए इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, लोकतंत्र में इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए, लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहाँ केवल पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई या कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में दिया, 39 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद। 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देते, बोलते नीति आयोग ऐसा प्रावधान नहीं, कौन करेगा ये प्रावधान? हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, जाति आधारित गणना करा करके 65% और 10% EWS का एज इट इज हम लोगों ने रखा, यानी टोटल 75%। उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तमिलनाडु के तर्ज पे
लेकिन तब भी जो है अभी भी कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ, यानी ये साफ तौर पर दिखाता है जो सरकार है आरक्षण विरोधी, जो सरकार है हम लोगों की तो मांग थी पूरे देश में अब जाति आधारित गणना, अब पूरे देश में मुख्यमंत्री अब को जवाब देना चाहिए, अब तो इतना पावर रखते हैं कि भाई सरकार गिरा सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, तो अब जाति आधारित गणना की बात क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं, कोई ऐसा जिला ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हत्या लूट अपहरण रेप जैसे संगीन मामले हो गए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। FIR बड़े मुश्किल से होता है, FIR होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है जीरो है, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं दिला पाते हैं, ऐसे कई एक उदाहरण। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में वो भयावह हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं, और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात हो गए इसकी चिंता हमको भी है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, लोकतंत्र में इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए, लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, यहाँ केवल पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई या कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में दिया,